डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ 29th अप्रैल 2020 वेनसडे एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर गोइंग टू डिलीवर अ विजुअल लेक्चर फॉर यूनिट नंबर 4 रीडिंग ट्रांसलेशन लेटर नंबर 15 एंड कम्प्रीहेंशन नंबर 5। माई लेक्चर इज़ फॉर 9th P1 N1 बॉयज़ एंड गर्ल्स। डियर स्टूडेंट्स होप यू आर फाइन। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन क्यूरीज अबाउट द प्रीवियस लेक्चर्स यू मे आस्क। As we have started our summer vacation homework from the textbook, unit number 4, Hazrat Asma رضی اللہ تعالیٰ عنہ. In this lesson, we will know about the life of Hazrat Asma رضی اللہ تعالیٰ عنہ and how the Muslim women served the cause of Islam as well as their integrity in the times of hardship. Before starting paragraph 4, we will overview our previous lecture. In the previous lecture, we know that on the night of the migration, a tribal chief of the disbeliever Abu Jahl, in a fit of fury, headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq's home and began to knock at the door violently. Addressing Hazrat Asma's, he demanded, "Where is your father?" Let's move to the next paragraph. She politely replied. Politely ka matlab hai narmi se, shaistagi se. Replied ka matlab hai jawab diya. How would I know? मुझे कैसे मालूम होगा, ठीक है। दिस रिस्पॉन्स शोज़ द विजडम एंड करेज ऑफ हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। दिस रिस्पॉन्स ये रद्द अमल शोज़ दिखाता है द विजडम अकलमंदी करेज हौसला ऑफ हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। शी पोलाइटली रिप्लाइड हाउ वुड आई नो। दिस रिस्पॉन्स शोज़ द विजडम एंड करेज ऑफ हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उन्होंने नरमी से जवाब दिया, मुझे कैसे मालूम होगा। ये जवाब या ये रद्द अमल हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अकलमंदी और हौसले को जाहिर करता है। शी डिड नॉट मेक अ स्टेटमेंट दैट वुड गिव हिम अ क्लू। शी डिड नॉट मेक अ स्टेटमेंट, उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया या कोई ऐसी बात नहीं की दैट वुड गिव हिम अ क्लू। क्लू का मतलब है इशारा, जो कि इशारा देता या इशारा मिल जाता जिससे अबू जहल को। शी डिड नॉट मेक अ स्टेटमेंट दैट वुड गिव हिम अ क्लू, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे उसे इशारा मिल जाता। शी सिंपली पोस्ड अ काउंटर क्वेश्चन दैट इन्फ्यूरिएटेड अबू जहल। शी सिंपली, उन्होंने सादगी से पोस्ड अ काउंटर क्वेश्चन, उल्टा सवाल कर डाला। दैट इन्फ्यूरिएटेड, इन्फ्यूरिएटेड का मतलब है तैश में आ जाना, शदीद गुस्से में आ जाना अबू जहल को। शी सिंपली पोस्ड अ काउंटर क्वेश्चन दैट इन्फ्यूरिएटेड अबू जहल, उन्होंने अबू जहल से उल्टा सवाल कर सादगी से उल्टा सवाल कर दिया जिससे वो शदीद गुस्से में आ गया। ही स्लैप्ड हज़रत अस्मास फेस सो हार्ड दैट हर इयरिंग फेल ऑफ बट शी रिमेन्ड स्टेडफास्ट एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट। ही स्लैप्ड हज़रत अस्मास फेस, उसने थप्पड़ लगाया हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे पर, सो हार्ड इस कदर ज़ोर से, दैट हर इयरिंग के उनकी बाली फेल ऑफ गिर गई, बट शी रिमेन्ड स्टेडफास्ट लेकिन वो साबित कदम रही, एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट और राज आया ना किया। ही स्लैप्ड हज़रत अस्मास फेस सो हार्ड दैट हर इयरिंग फेल ऑफ बट शी रिमेन्ड स्टेडफास्ट एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट। उसने हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे पर इस कदर ज़ोर से थप्पड़ लगाया कि उनकी बाली गिर गई लेकिन वो साबित कदम रही और राज आया ना किया, ठीक है। पैराग्राफ की सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन दोबारा से देख लें। शी पोलाइटली रिप्लाइड हाउ वुड आई नो। दिस रिस्पॉन्स शोज़ द विजडम एंड करेज ऑफ हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उन्होंने शाइस्तगी से या नरमी से जवाब दिया, मुझे कैसे मालूम होगा। ये रद्द अमल या जवाब हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अकलमंदी और हौसले को ज़ाहर करता है। शी डिड नॉट मेक अ स्टेटमेंट दैट वुड गिव हिम अ क्लू, उन्होंने कोई ऐसी बात ना की जिससे उसे इशारा मिल जाता। शी सिंपली पोस्ड अ काउंटर क्वेश्चन दैट इन्फ्यूरिएटेड अबू जहल, उन्होंने उसके जवाब में सादगी से उल्टा सवाल कर दिया जिससे अबू जहल शदीद गुस्से में या तैश में आ गया। ही स्लैप्ड हज़रत अस्मास फेस सो हार्ड दैट हर इयरिंग फेल ऑफ बट शी रिमेन्ड स्टेडफास्ट एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट। उसने हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे पर इस कदर ज़ोर से थप्पड़ मारा कि उनकी बाली दूर गिर गई मगर वो साबित कदम रही और राज आया ना किया, ठीक है। यानी ये उनकी बहादुरी भी शो करती है कि वो इतना बड़ा सरदार था, इतने मतलब के पावरफुल कबीले का, तो लेकिन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिल्कुल भी इस चीज़ से खौफजदा ना हुई, बल्कि उसको इस तरह से जवाब दिया कि
आपका हौसला भी इस चीज़ से ज़ाहर होता है और आपकी अक्लमंदी भी, किसी किस्म की कन्फ्यूजन जो है वो उनकी बात में नहीं थी। ठीक है, फिफ्थ पैराग्राफ देखें। हर ग्रैंड फादर हज़रत अबू कहाफा वाज अ डिसबिलीवर एट दैट टाइम। हर ग्रैंड फादर, उनके दादा हज़रत अबू कहाफा, हज़रत अबू कहाफा जो कि हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु के जो है वो फादर थे, वाज अ डिसबिलीवर यानी उन्होंने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था, वो भी ईमान नहीं लाए थे एट दैट टाइम, उस वक्त। हर ग्रैंड फादर हज़रत अबू कहाफा वाज अ डिसबिलीवर एट दैट टाइम। उनके दादा हज़रत अबू कहाफा उस वक़्त ईमान नहीं लाए थे। ही वॉज़ वेरी ओल्ड, वो बहुत ज़यीफ थे या बूढ़े थे, एंड हैड बिकम ब्लाइंड, और अंधे हो चुके थे या नबीना हो चुके थे। ही वॉज़ वेरी ओल्ड एंड हैड बिकम ब्लाइंड, वो नहायत ज़यीफ थे और नबीना हो चुके थे। ही सेड टू हर, उन्होंने उनसे कहा, अस्मा अस्मा, आई थिंक अबू बकर हैज़ टेकन ऑल द वेल्थ, लिविंग यू एंड चिल्ड्रन एम्प्टी हैंडेड एंड हेल्पलेस। आई थिंक, मेरा ख्याल है अबू बकर हैज़ टेकन ऑल द वेल्थ, तमाम दौलत ले गए हैं, लिविंग यू एंड चिल्ड्रन एम्प्टी हैंडेड, तुम्हें और बच्चों को खाली हाथ छोड़कर, एंड हेल्पलेस और बेयारो मददगार। यानी कि इस्लाम में हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत बहुत ज़्यादा फेमस है इस मामले में कि वो इस्लाम की राह में खर्च करते हुए अपने घर का या अपनी फैमिली का या ख़ुद अपनी ज़ात का भी ख्याल नहीं करते थे, बल्कि जो कुछ भी होता था वो सारा का सारा अल्लाह ताला की राह में खर्च कर देते थे। तो हज़रत अबू कहाफ़ा को भी इस चीज़ का पता था, तो उन्हें पता था कि वो इसी किसी मामले के लिए गए हैं, तो यकीनन वो जितनी भी दौलत घर में होगी या जो भी जो है वो गोल्ड था उसको ले गए होंगे। तो ये बात वो उनको कह रहे हैं कि अस्मा, आई थिंक अबू बकर हैज़ टेकन ऑल द वेल्थ, लिविंग यू एंड चिल्ड्रन एम्प्टी हैंडेड एंड हेल्पलेस। अस्मा, मेरा ख्याल है कि अबू बकर तमाम दौलत ले गए हैं और तुम्हें और बच्चों को खाली हाथ और बेबस छोड़ गए हैं। एट दिस, इस पर शी इंस्टेंटली रेन टू अ कॉर्नर ऑफ द होम। शी इंस्टेंटली, वो फ़ौरन ही रेन भागी टू अ कॉर्नर ऑफ द होम, घर के एक कोने की तरफ। इस पर वो फ़ौरन घर के कोने की तरफ भागी। शी गैदर्ड सम पैबल्स, उन्होंने कुछ कंकर इकट्ठे किए, एंड पुट दैम एट द प्लेस वेयर हर फादर यूज टू कीप हिज मनी एंड ज्वेल्स। शी गैदर्ड सम पैबल्स, उन्होंने कुछ कंकर इकट्ठे किए, पुट दैम एट द प्लेस, और उस जगह पर रखे, वेयर हर फादर यूज टू कीप हिज मनी, जहाँ उसके वालद अपनी रकम रखा करते थे। यूज डू का हम वर्ड यूज़ करते हैं, आपको पता है, जहाँ पर हमने पास्ट हैबिट या रूटीन कोई भी शो करनी हो, एंड ज्वेल्स और जेवरात। ठीक है, शी गैदर्ड सम पैबल्स एंड पुट दैम एट द प्लेस वेयर हर फादर यूज टू कीप हिज मनी एंड ज्वेल्स। उन्होंने कुछ पत्थर इकट्ठे किए और उन्हें इस जगह पर रख दिया जहां उनके वालिद पैसे और जेवरात रखा करते थे। ठीक है, यानी कि ये सेंटेंस शो कर रहा है कि चूंकि हज़रत अबू कहाफा भी ईमान नहीं लाए थे, तो उनसे भी उन्हें ख़तरा था कि कहीं वो इस तरह की कोई भी सीक्रेट या बात जो है वो ना पहुँचा दें काफ़रों तक, और कोई भी हिंट ना मिल जाए उन्हें। तो उन्होंने इस चीज़ को भी इतना सीक्रेट रखा और अपने फादर की जो बात थी उस चीज़ को जो है वो ओपन ना किया। शी कवर्ड इट विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, उन्होंने ढांप दिया विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़े के एक टुकड़े के साथ। कम ग्रैंड फादर, आए दादा, लुक, देखें, ही हैज़ लेफ्ट ऑल दिस फॉर अस, वो ये सब हमारे लिए छोड़ गए हैं। ही टच द क्लॉथ, उन्होंने जो है वो कपड़े को छुआ, चूंकि वो नबीना थे वो इस चीज़ को नहीं जान सकते थे कि कपड़े के नीचे क्या है, तो उन्होंने जेवरात और पैसे की जगह पे वहाँ पत्थर रख दिए थे। सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद ये था कि कहीं ये जो सीक्रेट है इतना रखा हुआ उनकी हिजरत को, वो कहीं रिवील ना हो जाए। ठीक है, कम ग्रैंड फादर, लुक, ही हैज़ लेफ्ट ऑल दिस फॉर अस, ही टच द क्लॉथ एंड थॉट इट वॉज फुल ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स। आए दादा, देखें, वो ये सब कुछ हमारे लिए छोड़ गए हैं। उन्होंने कपड़े को छुआ या हाथ लगाया और समझे कि सोने और जवाहरात से भरा हुआ है। His concern was alleviated, concern उनकी परेशानी alleviated दूर हो गई या कम हो गई, and he felt relieved, और उन्हें इत्मीनान हुआ to know, या वो मुतमईन हो गए ये जानकर, that अबू बकर सदीक had left all his wealth at home, के हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम जो दौलत है वो घर पर छोड़ गए थे। ठीक है, His concern was alleviated and he felt relieved to know that हज़रत अबू बकर सदीक हैड लेफ्ट ऑल हिज वेल्थ एट होम।
उनकी परेशानी दूर हो गई और ये जानकर उन्हें इत्मीनान हुआ कि अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी तमाम दौलत घर पे छोड़ गए थे। ठीक है, पैराग्राफ की जो है वो दोबारा से ट्रांसलेशन सेंटेंस वाइज कर देती हूँ, इसको ध्यान से सुन लें। हर ग्रैंड फादर हज़रत अबू कहाफ़ा वॉज अ डिसबिलीवर एट दैट टाइम। ही वॉज वेरी ओल्ड एंड हैड बिकम ब्लाइंड। ही सेड टू हर अस्मा, आई थिंक अबू बकर हैज़ टेकन ऑल द वेल्थ लिविंग यू एंड चिल्ड्रेन एम्प्टी हैंडेड एंड हेल्पलेस। उनके दादा हज़रत अबू कहाफ़ा जो कि उस वक़्त ईमान नहीं लाए थे, वो नहायत ज़ईफ़ थे और नाबीना हो चुके थे। उन्होंने उनसे कहा, अस्मा मेरा ख्याल है कि अबू बकर तमाम दौलत ले गए हैं तुम्हें और बच्चों को खाली हाथ और बेबस छोड़कर। At this, she instantly ran to a corner of the home. She gathered some pebbles and put them at the place where her father used to keep his money and jewels. इस पर वो घर के एक कोने की तरफ फौरन भाग गईं। उन्होंने कुछ कंकर इकट्ठे किए और उस जगह पर रख दिया जहां उनके वालिद अपनी रकम और जेवरात रखा करते थे। She covered it with a piece of cloth. Come grandfather, look, he has left all this for us. He touched the cloth and thought it was full of gold and jewels. His concern was alleviated and he felt relieved to know that Abu Bakr Siddiq had left all his wealth at home. उन्होंने इसे कपड़े से ढांप दिया। आए दादा, देखें वो ये सब कुछ हमारे लिए छोड़ गए हैं। उन्होंने कपड़े को छुआ और समझे कि ये सोने और जेवरात से भरा हुआ है। उनकी परेशानी दूर हो गई और ये जानकर उन्हें इत्मीनान हुआ कि अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी तमाम दौलत घर पे छोड़ गए थे। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखें। सिक्स, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा वाज अमंगस्ट द अर्ली फ्यू हु एक्सेप्टेड इस्लाम। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा अमंगस्ट द अर्ली फ्यू उन चंद इब्तदाई में से थी हु एक्सेप्टेड इस्लाम, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, यानी जिन्होंने शुरू शुरू में इस्लाम कबूल कर लिया था, उन चंद लोगों में से थी। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा उन इब्तदाई चंद लोगों में से थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। शी वॉज द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एंड स्टेप सिस्टर ऑफ हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। शी वॉज द डॉटर, वो बेटी थी एक अजीम सहाबी जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक, जिनके बारे में आपको पता है, और स्टेप सिस्टर थी यानी सुतेली बहन थी हज़रत आयशा सदीक़ा, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी भी थी। ठीक है, तो यानी उनका अपने तारुफ़ के अलावा भी जो है वो ये तारुफ़ है। शी वाज़ द वाइफ ऑफ हज़रत ज़ुबैर बिन अल अवाम रज़ियल्लाहु अन्हु एंड मदर ऑफ़ अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु। ठीक है, ये भी बहुत अजीम सहाबी हैं दोनों। शी डाइड एट द राइप ओल्ड एज ऑफ अबाउट 100 ईयर्स। शी डाइड, उन्होंने वफात पाई एट द राइप ओल्ड एज, पुख्ता उम्र में, अबाउट 100 ईयर्स, 100 साल की। सेंटेंस वाइज देख लें इसे। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा वाज अमंगस्ट द अर्ली फ्यू हु एक्सेप्टेड इस्लाम। शी वाज द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु एंड स्टेप सिस्टर ऑफ हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा। शी वाज द वाइफ ऑफ हज़रत ज़ुबैर बिन अल अवाम रज़ियल्लाहु अन्हु एंड मदर ऑफ अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु। शी डाइड एट द राइप ओल्ड एज ऑफ अबाउट 100 ईयर। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा इन इब्तदाई चंद लोगों में से थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। वो हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी और हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की सुतेली बहन थी। वो हज़रत ज़ुबैर बिन अल अवाम रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की वालदा थी। आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने तकरीबन 100 साल की पुख्ता उम्र में इंतकाल फरमाया। ठीक है, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हा यूज़ टू से कहा करते थे दैट ही हैड नॉट सीन एनी बॉडी मोर जेनरस का मतलब है सखी एंड ओपन हार्टेड और खुले दिल का देन हिज आंट हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, अपनी खाला, आंट का मतलब है, एंड हिज मदर और अपनी वालदा से। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाया करते थे कि उन्होंने अपनी खाला हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और अपनी वालदा हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा से भर के किसी को भी सखी और खुले दिल का नहीं पाया। ठीक है, शी सोल्ड द गार्डन इनहेरिटेड आफ्टर द डेथ ऑफ हर सिस्टर। शी सोल्ड, उन्होंने बेच दिया द गार्डन, वो बाग इनहेरिटेड जो कि विरसे में मिला था, आफ्टर द डेथ ऑफ हर सिस्टर, अपनी बहन की वफात के बाद, यानी हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफात के बाद। शी गेव अवे ऑल द मनी टू द पुअर एंड नीडी, नोबडी एवर रिटर्न्ड एम्प्टी हैंडेड। शी गेव अवे ऑल द मनी, उन्होंने तमाम रकम जो है वो दे दी गरीबों को और ज़रूरतमंदों को। नो बॉडी
एवर रिटर्न एम्प्टी हैंडेड, कोई भी जो है वो उनके दरवाजे से खाली हाथ ना जाता था। दोबारा से देख लें इसकी सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन। हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यूज़ टू से दैट ही हैड नॉट सीन एनी बॉडी मोर जेनरस एंड ओपन हार्टेड देन हिज आंट हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एंड हिज मदर। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वाज़ सो जेनरस दैट शी सोल्ड द गार्डन इनहेरिटेड आफ्टर द डेथ ऑफ हर सिस्टर। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शी गेव अवे ऑल द मनी टू द पुअर एंड नीडी। हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे कि उन्होंने अपनी खाला हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अपनी वालदा हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से भर के किसी को भी सखी और खुले दिल का नहीं पाया। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इतनी सखी थी कि उन्होंने विरसे में मिले हुए बाग को फरोख्त कर दिया और तमाम रकम गरीबों और ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दी। उनके दरवाजे से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं लौटा था। पैराग्राफ नंबर 7 देखें। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड फॉर हर करेज जेनरोसिटी एंड विजडम। करेज का मतलब होता है हौसला, जेनरोसिटी का मतलब है सखावत एंड विजडम अकलमंदी। ठीक है, विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड याद रखी जाएंगी। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड फॉर हर करेज जेनरोसिटी एंड विजडम। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमेशा अपनी अपने हौसले अकलमंदी और सखावत के लिए याद रखी जाएंगी। शी हैड रेजोल्यूट फेथ इन अल्लाह अलमाइटी, उनका अल्लाह ताला पर पुख्ता ईमान था। हर लाइफ वुड ऑलवेज बी अ बीकन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस, हर लाइफ उनकी ज़िंदगी वुड ऑलवेज बी अ बीकन ऑफ लाइट मशले राह रहेगी फॉर ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए। ठीक है, ये पैराग्राफ यूँ समझ लें कि पूरे लेसन का एक नचोड़ है। इसमें जितनी भी क्वालिटीज़ पूरे लेसन में डिफरेंट पैसेजेस में डिस्कस की गई थी वो सारी की सारी इस पैराग्राफ में डिस्कस की गई हैं। ठीक है, इसकी सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन देख लें दोबारा। हज़रत अस्मा विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड फॉर हर करेज जेनरोसिटी एंड विजडम। शी हैड रेजोल्यूट फेथ इन अल्लाह अलमाइटी, हर लाइफ वुड ऑलवेज बी अ बीकन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने हौसले सखावत और अकलमंदी के लिए हमेशा याद रखी जाएंगी। उनका अल्लाह ताला पर पुख्ता ईमान था। उनकी ज़िंदगी हम सब के लिए मशले राह रहेगी। ठीक है, ये रीडिंग ट्रांसलेशन थी कंप्लीट चैप्टर की, आज हमने कर ली है। इसके जो भी एक्टिविटीज़ हैं लेसन की, क्वेश्चन आंसर और वर्ड सेंटेंसेस वगैरह, वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है, आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है और ट्रांसलेशन आपको पता है आपने लिखनी होती है। लेसन की रीडिंग ट्रांसलेशन के हवाले से कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ग्रामर एंड कंपोजिशन से आपको पता है हम कम्प्रीहेंशन पैसेजेस कर रहे थे अनसॉल्व, और लेटर्स आज हमारे कंप्लीट हो जाने हैं इंशाल्लाह। इसके जगह पे हम जो है वो ग्रामर का कोई और काम शुरू करेंगे कम्प्रीहेंशन के साथ साथ। कम्प्रीहेंशन पैसेज आज हमने अनसॉल्व करना है 5। अर्ली राइजिंग के बारे में है, अर्ली राइजिंग यानी सुबह सवेरे जल्दी उठना। ठीक है, ये कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी के लिए, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, और जो लोग जल्दी नहीं उठते उनको क्या प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ते हैं, ये पैराग्राफ में इस के बारे में डिस्कशन है। अर्ली राइजिंग इज़ अ गुड हैबिट एज इट गिव्स अस एन अर्ली स्टार्ट ऑफ आर डेज वर्क। ये पैराग्राफ अक्सर जो है वो पेपर में आया हुआ है, इसलिए इसको ध्यान से आपने सुनना है। इसके आंसर्स जो हैं वो आपने नोटबुक में लिखने हैं। जल्दी उठना इज़ अ गुड हैबिट, अच्छी आदत है, एज इट गिव्स अस एन अर्ली स्टार्ट, जैसे कि ये हमें एक जल्दी दिन की शुरुआत देता है। वी गेन टाइम, हमें वक्त मिलता है। वाइल द लेट राइजर्स आर अस्लीप, जबकि देर से उठने वाले सोए रहते हैं। द अर्ली राइजर्स हैव अनदर एडवांटेज एंड दैट इज़ दे इंजॉय गुड एंड साउंड हेल्थ। जो सुबह सवेरे उठते हैं उनको एक और फ़ायदा भी होता है कि वो अच्छी और मजबूत उनकी सेहत जो है वो बनती है। दोज हु आर आउट ऑफ बेड अर्ली हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू डू देयर वर्क केयरफुली स्टडीली एंड कम्प्लीटली। वो जो कि जल्दी अपने बिस्तर से निकल आते हैं वो अपना काम जो है वो मोहतात अंदाज में करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करते हैं और कम्प्लीटली और मुकम्मल तौर पर करते हैं, यानी उन्हें काम करने की कोई भी जल्दी नहीं होती। दे डोंट हैव टू पुट ऑफ एनी थिंग टू द नेक्स्ट डे, उन्हें अपना कोई भी काम अगले दिन पर नहीं डालना पड़ता, वो आज का काम जो है वो आज ही करते हैं। द अर्ली राइजर इज़ ऑलवेज हैप्पी फ्रेश एंड स्मार्ट। अर्ली राइजर्स जो सुबह सवेरे उठते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, तरोताज़ा रहते हैं और चुस्त रहते हैं। इंजॉयज हिज वर्क वाइल दोज हु गेट अप लेट फाइंड देयर ड्यूटी डल एंड ड्राई एंड डू इट अनविलिंगली। वो जो कि अपना काम
वो अपने काम से लुत्फ़ उठाते हैं, जबकि वो जो कि लेट उठते हैं उनको अपना काम बोरिंग लगता है और खुश्क लगता है, और वो इसे जो है वो अपनी मर्ज़ी के साथ जो है वो नहीं करते, यानी मजबूरी समझ के करते हैं। अर्ली राइजिंग इज़ देयरफॉर अ की टू सक्सेस इन लाइफ, जल्दी उठना, सुबह सवेरे उठना जो है वो कामयाबी, ज़िंदगी में एक कामयाबी की कुंजी है। ठीक है, इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस हैं। व्हाट काइंड ऑफ हैबिट इज़ अर्ली राइजिंग, सुबह सवेरे उठना कैसी आदत है? अर्ली राइजिंग इज़ अ गुड हैबिट, ये एक अच्छी आदत है। व्हाई कैन एन अर्ली राइजर डू मोर वर्क देन द लेट राइजर, जो सुबह सवेरे जल्दी उठ जाता है वो अपना काम जो है वो जल्दी कैसे कर लेता है? एन अर्ली राइजर टेक्स एन अर्ली स्टार्ट ऑफ हिज डे वर्क एंड कैन डू मोर वर्क देन द लेट राइजर, जो सुबह सवेरे उठता है वो अपना काम जल्दी शुरू कर लेता है, इस वजह से बनिस्बत उनके जो के लेट उठते हैं, और जो लेट उठते हैं ही वो अपना काम जो है वो जल्दी नहीं कर पाते। एंड ही डज इट केयरफुली स्टडीली एंड कम्प्लीटली, वो अपना काम मुकम्मल तौर पर बहुत ज़्यादा एहतियात से और आहिस्ता आहिस्ता करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। व्हाट काइंड ऑफ हेल्थ डू अर्ली राइजर्स हैव, किस तरह की सेहत होती है जो सुबह सवेरे उठते हैं? एन अर्ली राइजर इंजॉयज गुड हेल्थ बिकॉज ही इज़ ऑलवेज हैप्पी फ्रेश एंड स्मार्ट, जो सुबह सवेरे उठते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, तरोताज़ा रहते हैं और चुस्त रहते हैं। वाई डज अ लेट राइजर फाइंड हिज वर्क डल एंड ड्राई, जो देर से उठने वाले हैं उनको अपना काम डल, खुश्क और बोरिंग क्यों लगता है? अ लेट राइजर फाइंड हिज वर्क डल एंड ड्राई बिकॉज ही डज इट अनविलिंगली, क्योंकि वो अपना काम जो है वो मजबूरी में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। व्हाट इज़ द की टू सक्सेस, कामयाबी की कुंजी जो है वो क्या है? अर्ली राइजिंग इज़ द की टू सक्सेस इन लाइफ, जो सुबह सवेरे उठना है वो कामयाबी, ज़िंदगी में कामयाबी की कुंजी है। लेटर नंबर 15 है आपका, जो कि आपने पढ़ा हुआ है पहले, इसकी स्टेटमेंट मैं आपको बता देती हूँ। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड थैंकिंग हिम फॉर द बुक्स ही लेंट टू यू, दोस्त के नाम खत लिखना है शुक्रिया अदा करने के लिए उन किताबों का जो कि आपने उससे ली। ठीक है, डायरी आपने बेटा अपनी डायरी में या नोटबुक में लिख लेनी है। प्रिपेयर एंड राइट रीडिंग ट्रांसलेशन ऑफ यूनिट नंबर 4, जितनी भी आज हमने रीडिंग ट्रांसलेशन की है उसको आपने उर्दू को सिर्फ आपने लिखना है अपनी नोटबुक में। ग्रामर से हमने लेटर नंबर 15 को किया है। कम्प्रीहेंशन नंबर 5 अनसॉल्व्ड हमने की है, जिसको आपने याद करके अच्छी तरह से लिख लेना है, ताकि आपकी रिटन प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको अच्छे से याद भी हो जाए, आपका समर वेकेशन होमवर्क भी कम्प्लीट हो जाए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है लेक्चर में तो वो आपने बेटा मुझसे पूछ लेना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एंड क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखें।